जम्मू वासी गार्बेज ऑटो को दे रहे हैं तो तभी हम लोग सफल हो रहे हैं। हम शहर को डस्टबिन मुक्त करने जा रहे हैं धीरे धीरे करके, वो से बाड़ू में कर दिया है। गार्बेज कलेक्शन के लिए हमने पहले लगभग 150 ऑटो लगाए हुए हैं डोर टू डोर कलेक्शन करने के लिए। उस फ्लीट को और बढ़ाने के लिए 89 नए ऑटो कॉरपोरेशन ने खुद के परचेज किए हैं। पहले तो आउटसोर्स किए हुए थे, आज उनकी लॉन्चिंग की गई है लगभग 38 ऑटोज की, और बाकी वाले भी जैसे जैसे पास होके आते जाएंगे उसको अलग अलग बाड़ों में भेजेंगे, ताकि जो गार्बेज है हमारा, जो कूड़ा है जो बाहर आता है, जो नालियों नालों में जाता है, हम घर से ही उठाएं और उसको इकट्ठा करके अपने जो गार्बेज कलेक्शन सेंटर है वहां ले जाएं, और लोगों को वो गार्बेज ना दिखे और गलियों में नालियों में वो गार्बेज ना जाए। उस काम को आगे बढ़ाते हुए आज हमारा जो सैनिटेशन का काम है, जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का काम है, जो स्वच्छता का काम है, उसको और कैसा कर सकें, जम्मू शहर को कैसे साफ सुथरा कर सकें, उसकी तरफ आज जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने एक और कदम बढ़ाया है। आने वाले समय में और हमारे पास 66 ई रिक्शा गार्बेज कलेक्शन के आ रहे हैं, उनको भी हम बहुत जल्द लॉन्च करने वाले हैं। पहले हमने 100 ट्राईसाइकिल, जो 6 डस्टबिन वाले थे, 6 वक्कड़ थे, 3 हरी और 3 नीली, उनको हमने लॉन्च किया था, वो भी अलग अलग बाड़ों में जा रहे हैं। पूरा हमारा 100% हर घर से गार्बेज उठाना, ये हमारा जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का मिशन है, उसको हम कामयाबी की तरफ ले जा रहे हैं। भले ही अभी हफ्ते में 2 बार उठाते हैं, 3 बार उठाते हैं, 4 बार उठाते हैं, लेकिन आने वाले समय में और भी जो कमी होगी कॉरपोरेशन उसको पूरा करेगा।